अच्छे क्वालिटी के अंदर थोड़े से थिकनेस में रहते हैं, हल्का सा थोड़ा भीगने के लिए टाइम लगता है। मच्छी अभी खा लेती हूँ उसको, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का खाना डालिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं परिफिश एक्वेरियम में हम सबके चाहते आर्य भाई हमारे साथ में है और वो आज हमें एक नए सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो कि है फिश फूड। तो आइए जानते हैं आर्य भाई से कौन से टाइप का फूड देना है, कौन सा फूड देना है, कितने क्वांटिटी में देना है, कब देना है, इस सब के बारे में। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ फूड के ऊपर, ये सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट है फूड का, क्योंकि मच्छी खाना जो है बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि भाई कौन सी मच्छी को कौन सा खाना देना होता है। फूड एक मछलियों के लिए सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो खाना इंसानों जैसा, जैसे इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, मछलियों को उस तरह से ज़रूरी है। अच्छा हेल्थी इंसान खाना खाएगा तो हेल्थी रहेगा, मच्छी हेल्थी खाना खाएगी तो हेल्थी रहेगी। तो अरे भाई, कौन से डिफरेंट टाइप के फूड्स रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमारे साथ में शेयर कीजिए। मच्छी के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है मच्छी का खाना। अगर आपकी मच्छी छोटी है, स्मॉल साइज़ की एग्जांपल, हाँ, टेट्रा फैमिली बिलोंग करती है मच्छी आपकी, टेट्रा से है, मतलब एग्जांपल टेट्रा में ऑल फिशेस आती है, और जो छोटी मच्छी होती है उन लोग के लिए खाने के अंदर आपको देना पड़ेगा फूड के अंदर। आप लोग को बताए तो ये है फ्लैक्स, ये वाला जो है हाँ फ्लैक्स है, तो फ्लैक्स हम उन्हें डाल सकते हैं। हाँ, ये डाल सकते हैं आप, इससे पानी ख़राब नहीं होता है, गंदा नहीं होता है। सेकेंड में माइक्रो बारीक बारीक खाना है। ओके, थर्ड में छोटा ही होता है, साइड में छोटे रहते हैं। इसके अलावा ड्राई ब्लड वॉर्म्स लाइव, हाँ ड्राई में फ्रोजन, इसके अलावा हाँ फ्रोजन, इसके अलावा टू बी फ्लैक्स कीड़ा, सादा कीड़ा सूखा हुआ। ओके, ये आप डाल सकते हैं इसको, और इसके अलावा आप माइक्रो पैलेट छोटे जो फिश है टेट्रा वगैरह, टेट्रा वगैरह है तो उनको आप डाल सकते हो, है ना अरे भाई। हाँ, आप कोई भी कंपनी का ले सकते, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही ले आप, बट अच्छा लो और जो फूड मैंने बताया हाँ क्वालिटी में। थोड़ा सा महंगा रहेगा तो भी चलेगा, बट आपका फिश हेल्दी रहेगा। हाँ चलेगा। तो अरे भाई, ये तो हो गया छोटे फिश के लिए फूड बता दिया आपने, लेकिन ऐसे जैसे कि अरवाना फिश है, बड़े साइज के जो फिश है उनके लिए कौन सा फूड आप रिकमेंड करते हो? आपके अगर अरवाना वगैरह है तो आप अरवाना के लिए आप अरवाना स्टिक्स वगैरह यूज करें, या फिर फ्लाई लार्वा हो गया, मिल वर्म्स हो गया, ड्राई में भी आता है या लाइव में मिलता है तो आप लाइव में भी लेके डाल सकते हो। इसके अलावा आपको नॉनवेज भी आप इसको डाल सकते हो, चिकन हार्ट वगैरह, या फिर आप इसको गोट हार्ट वगैरह भी डाल सकते हो पीसेस करके, या फिर आप इसको आपके अगर मच्छी ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है आपके से, अगर अरवाना अगर 1.5 फीट का है, या फिर आपका थोड़ा मतलब एक समथिंग 2 फीट का अरवाना आपके पास बड़ा साइज़ का है, तो आप लोग को क्या करना है, आप फिश मार्केट में जाकर आपको जो खाने की मच्छी होती है वो मच्छी बाय करना है, उसके पीसेस निकालना है आपको, उसके अंदर जो कांटा रहता है कांटा निकाल के आप उसको पीसेस करके भी छोटे छोटे आप आपके अरवानों को, या फिर आपके जो भी मच्छी आपके यहाँ मॉन्स्टर की टैग है आप उसको डाल सकते हो खाने। मॉन्स्टर में कोई भी फिश को चले गए वाला खाना, हाँ है ना, तो उससे फिश हेल्दी भी रहेगा और फास्ट ग्रो होगा और उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होकर रहेगा। प्रोटीन ज़्यादा होता है मच्छियों के अंदर। मच्छी अगर आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगा, ये जो फीडिंग फिशेस है और जो फीडिंग गोल्ड है, या फिर फीडिंग में जो बारीक रोहू कटला आता है, जो खाने की मच्छी होती है, जो बारीक बारीक जो बच्चे होते हैं वो खिलाते हैं उसको, तो ये सब चीज़ें आप जो डालते हैं, मेरे भी काफ़ी लोगों का मतलब मैंने मच्छी दिया हो, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी आया है। क्या होता है कि जो फीडिंग फिश होती है, जो चेन्नई या कलकत्ता से आती है, मुंबई में आती है या फिर कोई भी स्टेट में जाती है, वो काफ़ी बल्क में आती है, तो जो शॉपकीपर होता है उसको एक ही टैंक के अंदर बल्क में भर के रखता है, तो वो जब आती है तो छोटी मच्छी आती है, बॉडी घसी भी रहती है उसकी, बॉडी घसने की वजह से इन्फेक्शन या फिर उसको फंगस वगैरह भी होता है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो वो मच्छी आप ले जाके आपके फिशेस को जब खाने के लिए डालते हो तो एक तो इंटरनल प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर उसको फंगस होने के चांसेस हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन फीस मच्छी खाने की वजह से फीड करने की वजह से इंटरनल का भी इशू आता है और फंगस का भी इन्फेक्शन इशू आता है उसके अंदर, तो उसको अवॉइड कीजिए फीडिंग फिश डालना, या फिर फीडिंग गोल्ड डालना, जो मार्केट में मिल रहे हैं छोटे छोटे गोल्ड मिलते हैं 10 या 6 रुपये में मिलते हैं, कई कई जगह पर अलग अलग प्राइस में मिलते हैं, तो लाइव फिश डालना प्लीज़ उसको। अगर आपने नया मच्छी खरीदा है, या फिर अपने बहुत से लोग फ्लोरॉन को भी छोटी फीडिंग फिश डालते हैं, या फिर आपने ऑस्कर लिया तो भी उसको भी खिलाते हैं, तो आप लोग नॉर्मल पैलेट्स पे या ड्राई पे रखिए उसको। अगर आपने मेरे से मच्छी खरीदा है, या फिर किसी से भी मच्छी खरीदा आपने, करवाना खरीदा है, आप उसको कन्वर्ट करिए, आप उसको ड्राई पे लाइए, अगर ड्राई पे नहीं लाया है
शॉपकीपर के पास अगर ब्लड वर्म वगैरह खा रहा है या फिर कुछ दूसरा खा रहा है उसके पास, उसको पूछो कि भाई क्या खिला रहे हैं आप उसको। नॉर्मल तो यहाँ पे मुंबई में ब्लड वर्म वगैरह डालते हैं, यहाँ पे मिलता है। अगर आप दूसरे शॉप वाले के पास जाएंगे वो क्या डालता है, स्टिक वगैरह डालता रहेगा, उसने कन्वर्ट किया रहेगा। आप देखो कन्वर्ट करो, या फिर आप ले जाने के बाद भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन के बाद भी मच्छी स्टिक के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है, लार्वाज वगैरह खाती है, फिर ड्राई ब्लड वर्म वगैरह डाल सकते हो उसको आप। उससे क्या होता है कि मच्छी आपकी अगर आपने 2 साल पाला है या फिर आपने उसको 3 साल पाला है तो क्या होता है कि आपको शॉप वालों के पास जाना नहीं पड़ता है कि भाई बार बार जाके भाई फीडिंग लाना है, फीडिंग डालना है, फीडिंग लाना है, फीडिंग डालना है। मच्छियों की दुकानों की आपको चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ मच्छी को खाने के लिए अगर डालना चाहते हो तो प्लीज़ उसको ड्राई पे कन्वर्ट कीजिए। आपकी साइज़ भी स्लोली ग्रोथ होगी बट आपको मच्छी लॉन्ग टाइम तक चलेगी आप उसको स्टिक पे या फिर ड्राई पे रखेंगे तो। और सेकंड, आपको अगर नॉनवेज में डालना है तो आप उसको चिकन हार्ट वगैरह या फिर उसको गोट हार्ट या फिर बीफ हार्ट वगैरह डाल सकते हैं। मार्केट से लाके अपन आराम से डाल सकते हैं उसको, फ्रीजर करके आप उसको बारीक पीसेस वीक में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। या फिर आप उसको मच्छी लाते हो मच्छी वाले के पास से जाके उसको छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं। अगर आपका अरवाना बहुत बड़ा है तो आप उसको मांदेली या फिर कोई भी मच्छी जो होती है खाने वाली आप उसको छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आदि भाई मेरा और एक सवाल है कि जैसे कि अगर यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेरे घर में फिश को तो रोटी डालता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है, चावल डालता हूँ, तो ये क्या करेक्ट चीज़ है क्या, फिश को हमने ये फीडिंग देना चाहिए? अगर ऐसा रहता तो फिर ये जितने सारे प्रोडक्ट बने हुए फूड के सब बनते नहीं थे। मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये खाना रोटी डालना या फिर चावल डालना या फिर बहुत से लोग अलग अलग टाइप का खाना कुछ डाल देते घर का उठा के, उससे पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। Okay. और पानी फॉगी हो जाएगा, पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, पानी तो सांस लेने में दिक्कत होगी और मच्छी ऊपर आके लटकेगी हवा में और मच्छी मारने के चांसेस रहते हैं। ओके, उसके वजह से आप रेकमेंड करते हो कि ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें। हाँ, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, लो कैटेगरी का फूड प्लीज़ ना डालें। वो जो मार्केट में मिल रहे 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पैकेट वाले, वो दाना इतना अच्छा नहीं है, वो दाना जो है मेल्ट हो जाता है। नहीं, अगर आपको नहीं मिलता है तो डाले तो इट्स ओके, बट उसका क्या है कि उसका फूड में जो दाना है ना वो मेल्ट होता है जाके। वो आटा और मच्छी का जो होता है ना ऑयल वगैरह या फिर उसका जो बारीक जो बचा हुआ कचरा उससे बना के वो नॉर्मल फूड जो है सादे वाला वो देते। 30 रुपये वाला 20 रुपये वाला फूड ना डाले प्लीज़। अगर डालना है तो अच्छे क्वालिटी का फूड डालो। क्या होता है कि वो पानी में ज़्यादा जल्दी आके मेल्ट हो जाता है, वो जो पीले हरे कलर के दाने होते हैं ना वो, हाँ सस्ते वाले, वो जाकर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं पानी के अंदर। ओके, और उससे पानी, हाँ अच्छे क्वालिटी के अंदर थोड़े से थिकनेस में रहते हैं, हल्का सा थोड़ा भीगने के लिए टाइम लगता है, मच्छियाँ भी खा लेती है उसको। थोड़ा अच्छे क्वालिटी का खाना डालिए और खाने में, हाँ उससे क्या है पानी की क्वालिटी ख़राब नहीं होती, ग्रोथ तो नॉर्मल आप उसको खाना डाल रहे फूड में वो हो जाएगी, बट क्या है पानी का क्वालिटी ख़राब नहीं होगा, पानी क्लीन रहेगा आपका। अगर आप अल्टरनेट में चेंज करके खाना डालो, अगर आप एक टाइम पे ये डालते एक टाइम पे ये डालो, 2 टाइम अलग अलग खाना डालो, तो भी मच्छी थोड़ा सा फूड चेंज होगा, खाने के लिए मज़ा आएगा। कभी ड्राई वॉर्म्स डालो, कभी थोड़ा सा चेंज करते रहना चाहिए। हाँ, फूड चेंज करना चाहिए आपके पास 6-5 किस्म का दाना फूड रहना ही चाहिए आपके फिशेज के लिए। कभी चेंज कर करके अल्टरनेट डाला करो तो मच्छी काफ़ी अच्छी हेल्थी रहेगी और मच्छी भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहेंगे। तो आरी भाई यानी बहुत सारे लोग फिश को पालते हैं बट कभी कभी हम जैसे कि घर चले जाते हैं या नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं या कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे हमने क्या करना चाहिए? आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है मेरे पास भी काफ़ी लोग शॉप पर आके मुझे बोले आरिफ भाई गाँव जा रहे तो क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट में लगता है कि भाई हमारी मच्छी भूखी रहेगी तो ओवर फीडिंग करके चले जाते हैं, बहुत सारा डाल के जाते हैं कि भाई खाते रहे खाते रहे। करेगा तो फिश यानी जो है वो ऊपर आ जाएगा या ऐसा कुछ डिसीज होकर मरने के चांसेस रहते हैं ना। ओवर फीडिंग करने की वजह से क्या होता है कि पानी का क्वालिटी खराब हो जाता है, पानी में मेल्ट हो जाता है दाना। जितना खाना है उतना खाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने डेग भर के खाना दिया, बड़ी पतीली भर के, अगर आप एक प्लेट खाना खाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे उसको, वो खाना आप इंसान आप गर्म करके खा लेंगे, वो मच्छी पानी में मेल्ट हो जाएगा तो वो पानी का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो वो हिसाब से आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा खाना नहीं करना है। आप जब भी बाहर जाना चाहते हो नॉर्मली फीड करेंगे, सबसे पहले पानी चेंज करो, हल्का सा फीडिंग करो, नॉर्मल जो आप डेली मात्रा में जो डालते हो, डेली आप रूटीन में जो डालते हो जो फूड, वही तरीके से आपको डालना है और आप जाने के टाइम पर आप उसको वैसे ही छोड़ के। मच्छी का टाइमिंग पीरियड बताता हूँ, हर मच्छी का टाइमिंग पीरियड अलग अलग होता है। कुछ मच्छी 10 दिन तक भी रहती है, कुछ मच्छी 15 दिन पे, नॉर्मल से नॉर्मल मच्छी 15 दिन तक भूखी रह सकती है। नॉर्मल से 15 दिन तक रह सकती है। यस, 15 दिन ऑक्सीजन चालू करके जाना है, ऑक्सीजन चालू रहना चाहिए। और सेकंड थिंग, काफ़ी लोग का प्रॉब्लम ये होता है पावर फिल्टर जो होता है ना अंदर वाला जो, उसको लगा कर चले आते हैं तो क्या होता है वो कभी गर्म होने की वजह से बंद हो जाता है या कभी कुछ इशू हो जाता है।
तो आप पावर फिल्टर इग्नोर करके ये वाला फिल्टर लगाए है ना आरिफ भाई, आप स्पॉन्ज फिल्टर या एरिस्टोन वगैरह लगा के जाए। अगर आपने पावर फिल्टर भी लगाया तो आपको एक एक्स्ट्रा में एरिस्टोन या स्पॉन्ज फिल्टर आपको लगा के रखना है। दो लगा के रखना है। कभी इन फ्यूचर में एक बंद हो जाता है तो मच्छी रहेगी, फूड नहीं रहेगा, इट्स ओके, चल जाता है। बट वो क्या, हाँ, वो ऑक्सीजन मात्रा मिलते रहेगी उसको, वो जिंदा रहना जरूरी है भाई। खाना तो बात की बात है, जिंदा रहना जरूरी है, सबसे पहली चीज़ है। ओके, सेकेंड में आप लोग को क्या करना है, जाने के टाइम पे आपको पानी चेंज कर जाना है। ये नहीं कि पानी गंदा रहेगा, आप आ रहे हो 10 दिन के बाद, पानी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपकी मच्छियाँ मरना चालू हो जाएगी। ओके, सेकंड में एक हॉलीडे फूड आता है। हॉलीडे फूड हर मच्छी के लिए नहीं है, ऑस्कर पैरेट अरवानों के लिए नहीं है वो, अगर आप नॉर्मल ट्रॉपिकल मच्छी या टेट्रा मच्छी के लिए आप उसको यूज़ करें, उनको चलेगा, उनको चलता है। उसकी भी टाइमिंग पीरियड है, अगर एक गोली डाले तो 2-3 दिन चल जाता है। अगर आप ज़्यादा करके मेरे हिसाब से 1-2 गोली डालना चाहिए, उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। सॉरी भाई, ये तो हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, अगर हम बाहर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बताया आपने। लेकिन कुछ लोग अगर 20 डेज 25 डेज 1 मंथ के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है? सबसे बेस्ट उसके लिए रहेगा टाइमर फीडर जो आता है, वो आप लेंगे ना बेस्ट रहेगा आपको। अगर इन फ्यूचर में आप जब भी गाँव जाते रहेंगे, आपको मतलब एग्जाम्पल कभी कुछ प्रॉब्लम, हाँ कभी इंसान का कुछ भी बोल के तो प्रॉब्लम नहीं आता है, गांव में कुछ हो गया, इन फ्यूचर में आजू बाजू वाले को देखे चले जाओ तो इशू क्या होता है कि भाई वो बंदा संभाल नहीं पाता, मच्छियाँ मार देता है, उसको पता नहीं है, वो एक्साइटमेंट के अंदर खाना डालता है, खा लेती है, खाना डालता है, खा लेती है, ओवर फीडिंग कर लेता है, उसकी वजह से मच्छी मर जाती है, उसको बंदे को पता नहीं है, पानी चेंज करने का तरीका पता नहीं है, उस पर भी मर जाती है, वो एक इशू है, समझे। 2-3 टाइप्स होते हैं, अगर आप बाजू वाले को मच्छी देखेंगे तो वो पक्का मार ही देता है ओवर फीडिंग करने की वजह से, आप कितना भी बताओ उसको इतना ही डाल वो डालेगा, बट क्या लगेगा उसको कि भाई खा रही, इसका पेट नहीं भरा और डालो, ये सीन होता है उसके साथ में। हाँ, हाँ, मच्छी मर जाती है उससे। और सबसे बेस्ट है आपको ऑटोमेटिक फीडर, सबसे बेस्ट है। आप जाते हो, टाइमिंग एडजस्ट कर लो उसके अंदर, 2 टाइम का सुबह शाम वो गिरते रहेगा खाना, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए आप जा सकते हो उसके लिए। तो आरिफ भाई, मेरा और एक सवाल था, जैसे कि हम लाइव फीडिंग वगैरह करते हैं तो इज दैट नेसेसरी और ड्राई पे चल जाएगा? क्या होता है मालूम क्या, गटर में पाया जाता है कीड़ा, ओके, एकदम क्लियर करते हैं, बट कैसा होता है, अगर मैं ब्रीडर हूँ, मैं उसको लाता हूँ 24 घंटा कीड़ा अगर रखेंगे तो उसका इंटरनल क्लीन होता है, ओके, तब उसको फीड करेंगे ना तुम तो वो रहेगा। मेरे को रखने का तरीका पता है, मैंने ट्यूबीफ्लेक्स लिया, उसको ऑक्सीजन लगा के रखा हूँ मैंने, तो उसका पेट खाली होगा या फिर ब्लड वॉर्म्स है मेरे पास, उसका इंटरनल क्लीन करेगा, वो मुझे पता है, ओके। अगर आप हफ्ते में एक दिन अगर ब्लड या फिर आप लाइव डालना चाहते हो तो आप उसको डाल सकते हो, बट आप इसको कंटिन्यू ना करें क्योंकि क्या होता है कि पैरासाइट होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो उसके वजह से आप रेकमेंड करते हो कि अगर ड्राई फूड डालोगे आप तो अच्छा रहेगा? वीक में एक बार आप डालो, ये नहीं कि मैं यहाँ पे मेरी मच्छियों को डालता हूँ डेली, क्योंकि मैं डेली पानी चेंज करता हूँ, ओके, मेरे पास पैरासाइट होने का चांसेस नहीं है, मैं 24 आवर्स रखता हूँ कीड़ा, ओके, तो मुझे पता है। आपके पास बारीक मच्छी है, छोटी मच्छी, अगर ब्रीडिंग आपने किया है तो आप उसको कीड़ा वगैरह डाले, उसका मुंह छोटा सा होता है तो खाने का थोड़ा इशू हो जाएगा, तो आप उसको लाइव में डाल सकते हो, डैफनिया वगैरह डाल सकते हो। तो अरे ये जो डैफनिया वगैरह है, ब्राइन श्रिम्प्स है, लोग बोलते हैं कि इनको आपको फीड करना चाहिए फिश को, इज दैट नेसेसरी? ये एक्चुअल बेबीज़ के लिए बेस्ट है, अगर बेबीज़ है आपके पास, अगर आपके पेरेंट्स है बड़े साइज के, आप उसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको लाइव डाल सकते हो, डालना चाहिए क्योंकि वो अगर आप अच्छे से होगा, हाँ ब्रीडिंग पर्पस के लिए, मैं बोल दिया ना आपको, बट क्या है मालूम इशू कि आप नॉर्मली ड्राई पे रखेंगे तो बेस्ट है। नहीं, क्या होता है कि बहुत से लोग, अगर मैंने आज लाइव डाल दिया, एग्जांपल मैंने लाइव डाला इसको, है ना, अब उसका पानी मैंने चेंज ही नहीं किया, मैं आज डाला, कल डाला, परसों डाला, मैं डेली डाल रहा हूँ, बट पॉटर मेरा हफ्ता भर वही चलने वाला है, उसके अंदर पैरासाइट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ओके, बट मैं डाल रहा हूँ, मैं पानी चेंज करता हूँ, अगर मैंने पानी चेंज करने से पहले फीड किया हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, वाटर क्वालिटी चेंज हो जाएगा, वाटर क्वालिटी मेंटेन रहेगा, पानी क्लियर रहेगा, अमोनिया एसिड का लेवल कम रहेगा। तो आरिफ भाई, ये जो फिश को जो हम फूड देते हैं तो कितने टाइम देना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक बार में, यानी दिन में एक बार डाल देते हैं बहुत सारा, इज दैट करेक्ट वे?
हाँ बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, टाइम नहीं रहता तो एग्जिस्ट नहीं होता तो ज़्यादा डाल लेते हैं, भाई सब खा लो पेट भर के, बोले सबका हो जाएगा उसके अंदर, तो वैसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप दिन में दो टाइम डालते हो तो उसमें पर्टिकुलर सबको खाना नहीं मिलता है, किसको मिल जाता है किसको नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको अगर आपके घर में कोई है, एग्जाम्पल आप जॉब पर जाते हो, घर में एक फैमिली मेम्बर है आपका, उसको बोले एक टाइम डालने के लिए दो टाइम आप डालो, तीन टाइम फीडिंग डालो, मगर थोड़ा थोड़ा डालो। तीन टाइम फीडिंग डालने की वजह से सब मच्छियों को खाना मिलता है, पर्टिकुलर खाना मिलता है, पचाने के लिए भी ईजी पड़ता है, ओवर फीडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जो दो टाइम डालते हो उसको डिवाइड करके तीन टाइम कर दीजिए। ओके, कोई एक बार डालते वो तो बहुत ही ज्यादा इनकरेक्ट है ना। हाँ, एक बार ओवर फीडिंग करना इनकरेक्ट है, उससे मच्छी लटक जाएगी। भाई अगर मैंने एग्जांपल ये मच्छी है मेरे पास, ये गोल्ड फिश मेरे पास पड़ी है, मैंने इसको भर के डाल दिया इधर, इसको जितना खाना है उतना खा लेगी, अगर नहीं खाएगी वो जो दाना ऊपर पड़ा हुआ है वो दाना मेल्ट हो जाएगा पानी में और मेरा पानी व्हाइट कलर का हो जाएगा, ऊपर मेरे पानी के ऊपर पूरा झाग आ जाएगा, मेरी मच्छियाँ सांस लेने को तकलीफ होगा, ये मच्छी ऊपर आके ऑक्सीजन लेना लटकना चालू करेगी। ओके, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके, आप जो दो टाइम डालते हो फीड आपको उसको डिवाइड करके तीन टाइम करना, उसी दो टाइम वाले को तीन टाइम में डालना है आपको। ओके, एक टाइम आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना नहीं है, उसी को डिवाइड करके तीन टाइम डालना है, बट दो टाइम डालना जरूरी है। और अरे भाई, एक बार जो फीडिंग करते हैं उनके लिए मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यानी बहुत सारी फिश होती है जिनको स्टमक नहीं होता है, बोलते यानी पता नहीं चलता है कि कितना खाया जाए कितना नहीं, तो उनको अगर एक बार में बहुत ज्यादा डाल देंगे तो बहुत सारा खा लेंगे और लटक जाएगी। सबसे ज्यादा बुक्कड़ मच्छी में आती है गोल्डफिश और ऑस्कर। ओके, गोल्डफिश है ये वाली। हाँ, और ऑस्कर सबसे ज्यादा खाने वाली मच्छी है, ये दोनों है गोल्डफिश और है। इन लोग को क्या होता है कि ऊपर वाले ने इंसान बनाया, उसको दिमाग बनाया, बट इन लोग को क्या होता है कि इनको पता नहीं है कि ये सिर्फ खाते रहते। ओके, बट बाद में क्या होता है प्रॉब्लम, ओवर फीडिंग की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है इन लोग को और ऊपर लटकने लगते हैं। जब इनका वाटर क्लियर, जब वाटर चेंज करेंगे ना तब जाके लोग नीचे आने लगते हैं, सांस लेने लगते हैं पानी के अंदर से। ओके, ओवर फीडिंग होने के बाद में पानी क्यों चेंज करने की जरूरत है? क्या होता है कि भाई अगर तुमने एग्जांपल ज़्यादा खाना खा लिए हैं, ओके, ज़्यादा खाना खाने के बाद तुम राउंड मारना चालू करोगे, है ना, राउंड मारना चालू करेंगे या फिर आप ज़्यादा काम करोगे या फिर ज़्यादा राउंड मारेंगे, पचाने की पचन क्रिया आपकी बढ़ जाती है, तो अपन डाइजेशन कर लेंगे, बट वो मच्छी है उतने से टैंक के अंदर वो कहाँ जाएगी घूमने के लिए, है ना, कितना घूमेगी, घूम के उसका डाइजेशन कैसा क्लियर होएगा। अगर आप पानी चेंज करते हो तो इंटरनल क्लीन होता है, वो जो अंदर का खाना है वो टॉयलेट बनकर क्लीन होने लगता है, पचन क्रिया उसकी होने लगती है, तो मच्छी वापस से हेल्थी हो जाती है और घूमना चालू करती है। ओके, तो ये रीज़न है, तो यानी अगर ऐसा कुछ ओवर फीडिंग वगैरह कर देते अपन या ज़्यादा फीड कर रहे हैं ऐसा पता चलता है तो तुरंत पानी चेंज कर दीजिए। आपको जब भी लगा आपकी फिशेस ऊपर आके लटक रही है या आपको लगा कि भाई मेरे वाटर की क्वालिटी, आपके पानी के अंदर का ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई है, तो भी आप पानी चेंज करके मच्छी आपकी अच्छे से, जब नया पानी आप भरते हो तो नया पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो वो ऑक्सीजन लेने के वजह से मच्छी हेल्थी रहेगी और ऑक्सीजन लेके घूमते रहेगी। एक है मच्छी लटकेगी तो पानी चेंज करो, दूसरा अगर खाना खाने के बाद भी लटकेगी तो भी आपको पानी चेंज करना जरूरी है। ओके, तो आरी भाई आपके पास में भी बहुत सारी फूड की क्वालिटीज दिख रही है, यानी ऑलमोस्ट ऑल द वैरायटीज ऑफ फूड आपके पास में भी मिल जाता है, टर्टल का भी फूड मिलता है, तो वही उसके बारे में आपने फूड के बारे में वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी आ गया होगा कि कैसे फीड करना है, कौन सा फूड देना है, अकॉर्डिंग टू फिश फूड देना है, बेबीज है उनको अपने छोटा फूड देना है, तो ये सब नॉलेज आपने हमारे साथ में शेयर किया, थैंक यू वेरी मच आरी भाई। थैंक यू सो मच गाइस। ये जो मैंने वीडियो बनाया हूँ आज ये सब्जेक्ट के ऊपर फूड के रिकॉर्डिंग, तो एक्चुअल क्या हो रहा था कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, अरे भाई यार ये मच्छी है, यार ये मच्छी को क्या खिलाऊँ, ये मच्छी को क्या खिलाऊँ, तो इसके लिए मैंने ये सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया। तो आपके जो भी सवालात रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, आप एक सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसके कमेंट्स कीजिए, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वाला। ओके अरे भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके, थैंक यू बच्चे, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। ओके अरे भाई, बाय। ओके बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।